स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट बाजारी लास्ट टॉपिक ऑफ ईएनटी दैट इज द इसोफेगस इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए ब्रीफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ओके मिसाल Anatomy and physiology of esophagus size. Esophagus is basically a fibromuscular tube which is involved in the swallowing process, digestive tract part. Its length is 25 cm. Its basically three constrictions hoti hain, three narrow parts hoti hain, jahan pe chances hoti hain ki foreign body pick kar sakti hai, ya fir esophagus ko pick karte hue perforation ho sakti hai. So ye that distance is measured from the टीथ साइज ऑफ टीथ से शुरू होते हैं 15, 25, 40 सेंटीमीटर. अगर लंबा सा पाइप की तरह का इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम में पड़ा हुआ है वायरा में और इस पे तीन ये मार्किंग लगी हुई 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग एल्स देन द इसोफेगोस्कोप. ठीक है तो सर उस्मान हमें करवा चुके लास्ट थर्सडे. अच्छा करवा चुके हैं चलो इसको जल्दी से रिवाइज फिर कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज के टॉपिक फिर बहुत छोटा फॉरम बॉडी या कैंसर का. ठीक है इसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं आपके साथ मिलकर मिसाल. ठीक है अब वेनेसडे को हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे. रिवीजन है तुम लोग मुझे बता दो कि हमने ईयर से रिवीजन स्टार्ट करें या नोज से करें. ठीक है ये भी मुझे आप लोग फीडबैक में बता दो फ्रॉम वेयर द रिवीजन शुड बी स्टार्टेड. अच्छा फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है जी परफोरेशन ऑफ इसोफेगस. इसोफेगस के अंदर परफोरेशन. ठीक है ये क्यों हो सकती है किसी भी सर्जरी के दौरान इसोफेगोस्कोपी के दरमियान हो सकती है ट्रामा की वजह से हो सकती है बर्न की वजह से हो सकती है. ठीक है कई बार एक सिंड्रोम है ये तो हम संडे क्लास में कवर कर चुके हैं. आई थिंक नोज स्टार्ट कर चुके हैं नोज से कर रहे हैं. ओके मेरा भी यही ख्याल है कि नोज से हम रिवीजन स्टार्ट करने से ये कंप्लीट दोबारा कर लेंगे. ओके अच्छा अगर सीवियर वॉमिटिंग की वजह से सारी लेयर्स ऑफ इसोफेगस का रप्चर हो जाए पोस्टमैटिक मैसेज कहते हैं उल्टी की वजह से वॉमिटिंग की वजह से दैट इज कॉल्ड अ बीहाव सिंड्रोम. ये आपसे पूछ लेते हैं. इसी तरह एक सर्वाइकल इसोफेगस का रप्चर होता है जो नेक में इसोफेगस है एक मीडियास्टम में चेस्ट में. अगर चेस्ट में इसोफेगस रप्चर हुई है और एयर आ जाती है इन द मीडियास्टम ड्यू टू रप्चर ऑफ इसोफेगस दैट इज कॉल्ड एज हेमन साइन. इन दोनों की इसोफेगस का रप्चर के साइंस एंड सिम्टम्स मेन जो डिफरेंस है वो साइट का है. जो आपको सर्वाइकल इसोफेगस अगर रप्चर होगी तो देयर विल बी पेन इन द नेक. ठीक है और अगर थोरैसिक इसोफेगस रप्चर होगी तो उसकी वजह से पेन विल बी इन द चेस्ट. तो ज्यादा डेंजरस कौन सी इसोफेगस की परफोरेशन नेक वाली या चेस्ट वाली. ओके अनम हाँ ये के टॉपिक फिर ये एक ही दफा करेंगे और हमारे पास जितना टाइम है अप टिल द अक्टूबर नवंबर वो हमने यस समन गुड चेस्ट शाबाश दोबारा चेस्ट. ठीक है तो चेस्ट में पेशेंट मीडियास्टिनाइटिस और शॉक में जा सकता है. हेमन साइन इज एयर इन द मीडियास्टिनम. व्हाट इज सर्जिकल एम्फाइजीमा. सर्जिकल एम्फाइजीमा क्या होता है. Tell me what is surgical emphysema. अगर इसोफेगस की रप्चर हुई है तो हम यूजली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं. अगर वो फेल हो जाए तो फिर हम इंसेन एंड ड्रेनेज कर देते हैं वहां से ताकि जो फूड है जो पस वगैरह वो ड्रेन होती रहे. अगर थोरासिक है तो विद इन 6 आवर्स अर्ली में हम रिपेयर करते हैं और डिलेड में है तो फिर ड्रेनेज करते हैं. नेक वाली को हम क्यों रिपेयर करते हैं
एयर अंडर दी नॉट एयर अंडर स्किन नहीं है मिसाल, और बताओ एयर इन दिन शाबाश आयशा, गुड आयशा ने बिल्कुल ठीक बताया, सब क्यूटेनियस एयर इन दी सब क्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के नीचे अगर एयर आ जाती है तो दैट इज, जैसे अगर लेरेंस का ट्रॉमा हुआ है तो एयर अगर स्किन के नीचे आ जाएगी इकट्ठी हो जाएगी जो कि आपको पैल्पेशन पे क्रेपिटेशन फील होगी तो दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल एम्फिजेमा एयर इन दी सब क्यूटेनियस टिश्यू। गुड आयशा, मुझे ये बताओ सर्वाइकल इसोफेगस को क्यों नहीं रिपेयर करते हैं, थोरैसिक को रिपेयर कर देते हैं, व्हाई? चलो भी बताओ, चलो ये मुझे सोच के बताओ। उसके बाद जी बर्न्स, बर्न्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो केमिकल से, जैसे केमिकल कौन कौन से हैं, अल्कली और एसिड। अल्कली और एसिड के बर्न्स में फर्क क्या है बेटा? अल्कली कैसे बर्न करती है और एसिड कैसा बर्न करती है? जी आयशा, मिसाल जुबैर, अल्कली करती है जी। अच्छा चलो मैं साफ, स्ट्रिक्चर नेक्रोसिस का डिफरेंस है, गुड मिसाल, क्या डिफरेंस है नेक्रोसिस का? कंस्ट्रिक्शन तो दोनों ही कर देती हैं, अगर आप मैनेज नहीं करते, जब हीलिंग हो जाती है वहां ग्रेनोमा बनता है, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन तो हो जाएगी। शाबाश मिसाल, गुड। अल्कली जो है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करती है, वो गला देती है, जबकि एसिड जो है वो कोगुलेट कर देता है। दोनों नेक्रोसिस करते हैं, सेल डेथ करते हैं, टिश्यू को डेथ करते हैं, लेकिन अल्कली जो है वो गला देगी, एसिड जो है वो यानी अल्कली पिघला देती है, एसिड कोगुलेटिव नेक्रोसिस करता है। शाबाश, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो जब अगर किसी ने ये आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप एक बच्चा आया जिसने गलती से, ये गलती से पी सकते हैं या वो जो कहते हैं तेजाब गर्दी, गलती से पिला देते हैं या पी लेते हैं, सुसाइडल इंटेंशन हो सकती है, ये बच्चे वॉशरूम में गए, इनके एसिड का रंग बड़ा खूबसूरत होता है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह लगता है ऑरेंज, उन्होंने मिरिंडा समझ के बच्चे ने पी ली, ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस होता है जो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लीक इफेक्टिव और कोगुलेटिव में कोशिश करते हैं, ये एमसीक्यू पूछ लेता है, और इसको मैनेज कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मरीज देखना है शॉक में तो नहीं, उसको शॉक से निकालना है, एबीसी, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसके लिए स्टोर करनी है, फिर देखना है कि उसने एसिड ली थी अल्कली ली थी, उस लिहाज से एंटीडोट देना है, एसिड ली थी तो आपने कोई उसको दे देना है मिल्क दे देना है, अल्कली ली है तो आपने लेमन जूस को थोड़ा सा दे देना है, अगर उसको ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा बर्न है तो फिर आपने नहीं देना, फिर कुछ भी नहीं करना आपने, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि शुरू में बर्न है बाद में परफोरेशन हो जाए, वन कॉज ऑफ परफोरेशन इज दिसोवेगोस्कोपी। देखने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन की वजह से मीडियास्टेनाइटिस तो नहीं है, एसिड बेस इंबैलेंस तो नहीं हुआ, एसोसिएटेड इंजरी चेस्ट एक्सरे करना है और मैनेजमेंट में पेशेंट को दाखिल करके उसके शॉक को करेक्ट करना है, एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, देखना है पेशेंट शॉक की वजह से रीनल फेलियर में तो नहीं जा रहा, यूरिन आउटपुट मैनेज करनी है, एनर्जेटिक्स देने हैं, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रिकॉशन करनी है, अगर बहुत ज्यादा बर्न नहीं है तो फिर आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली है तो विनेगर या लेमन दे देना है, सिरका दे देना है, एसिड है तो मिल्क या एग वाइट दे देने हैं, आईवी एंटीबॉडीज लंबे अरसे तक चलेंगे, स्टीरॉयड लंबे अरसे तक चलते हैं ताकि स्ट्रक्चर ना बने, फाइब्रोसिस ना हो, इस एस्कोपी नहीं करनी पहले 48 घंटे, 48 घंटे के बाद करनी है, ठीक है, ये लिखा ना पास एनजी ट्यूब या एनजी ट्यूब एस्कोपी, ये आपने नहीं करनी पहले 2 दिन, 48 घंटे तक नहीं करनी, अदरवाइज उसको बर्न हुआ होता है तो परफोरेशन कर देंगे आप, 48 आवर्स के बाद करनी है, उससे पहले अपने एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स पेन किलर्स शॉक को मैनेज करना है और आपने उसका आउटपुट मैनेज करना है, और अगर स्ट्रक्चर बन गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट है वो भी आगे देखते हैं। तो कई बार ये है कि जब हीलिंग हो जाती है, हीलिंग के बाद ये देखो ये नॉर्मल इसका ल्यूमन है एसोफेगस का ये वाला, ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर ल्यूमन है, ठीक है, नैरो हो गया बिल्कुल, और ये उसको डायलेट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ बूजीज, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर आप इसको डायलेट करते हैं, अगर ऊपर से एसोफेगस के थ्रू जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेड ऊपर से जाना, अगर स्टमक में ओपनिंग करके नीचे से उसको करते हैं वो स्ट्रक्चर ओपन करते हैं उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड,
और कई बार इतना बुरा स्ट्रक्चर होता है कि आपको शावक उसका पार्ट ही निकालना पड़ता है और वहां पे रिपेयर करना पड़ता है बाय सम अदर टिश्यू टेकन फ्रॉम अदर साइड लाइक कोलन एंड जेजनम. ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका कई बार नोट आ जाता है इस पे, तो ट्रॉमा हो सकता है, बर्न, अल्सर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर पे ग्रेडिंग करना, तो परफोरेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, परफोरेशन पूछ लेता है इस तरह कि हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ एसिड बर्न या परफोरेशन. हाइटल हर्निया क्या चीज है, बेसिकली हाइटल हर्निया है, ये डायग्राम देखो, ये देखो, नॉर्मली स्टमक पड़ा होता है एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल में, और इसोफेगस पड़ा होता है ऊपर चेस्ट में. ठीक है, अगर ये स्लाइड करता करता स्टमक ऊपर आ जाए, ये सेकंड फिगर देखो ये वाली, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग टाइप ऑफ हाइटल हर्निया. हर्निया बेसिकली स्टमक हर्निएट करके चेस्ट में आ जाए. ठीक है, और अगर ये इसके इसोफेगस के साथ साथ अलोंग करता है तो इसको बोलते हैं पैराइसोफेगियल. दो तरह के बेसिकली हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया में स्टमक गोइंग इन टू द चेस्ट. ठीक है, तो अगर स्मॉल है तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, इसको रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट देनी है, रिफ्लक्स आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और अगर लार्ज है तो फिर इसको रिपेयर करना पड़ता है. फिर में ऐसे करते हैं कि देखो ये हर्निया था, ठीक है, स्टमक को वापस लाए, इसके स्टिच किया और यहाँ पे आपने एक प्लेट रख दी ताकि दोबारा जो है वो स्टमक वापस ना चले. रिपेयर Plummer-Vinson syndrome most important. ठीक है, जो हमेशा जो पूछता था बेटा इसको याद रखना, Plummer-Vinson syndrome का दूसरा नाम Peterson Brown Kelly syndrome. Sliding severe gut. ठीक है, अच्छा, गुड. Plummer-Vinson syndrome क्यों होता है भाई, what's the reason of paraesophageal? Paraesophageal ये है कि ये देखो along the esophagus चला जाएगा, ये देखो ना, basically जब abdomen का प्रेशर बढ़ जाता है ना, ये स्फिंक्टर लूज है, स्फिंक्टर खराब होता है, तो ये जो इसोफेगस है इसके साथ साथ अलोंग जो है ना ये स्टमक ऊपर चला जाता है. ये डायग्राम बड़ी अच्छी दी हुई है. नॉर्मली ये इसोफेगस ऊपर चेस्ट में है और स्टमक नीचे है. ठीक है, स्लाइडिंग में क्या होता है, इसोफेगस की इन लाइन ही स्टमक ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और इसमें क्या है, इसके पैरेलल जाना शुरू हो जाता है इसोफेगस के, पैराइसोफेजियल. ठीक है कोमल, तो फिर अगर ये इस तरह जा रहा है तो फिर आप क्या करते हैं इसको, अगर स्मॉल है, सिम्टोमेटिक है, तो सिम्टोमेटिक में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को गट की फीलिंग आती है, पीटरसन चेस्ट में पेन होती है, जलन होती है, खाना हजम नहीं होता. ठीक है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके रिपेयर कर देते हैं, वापस ला के और इसको रिपेयर कर देते. क्या बात, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम क्या है, या प्लम्बर-विंसन सिंड्रोम क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से अगर मरीज को ये हो जाता है, उसके नाखून स्पून की तरह हो जाते हैं, टाइलोनाइकिया. ठीक है, एंगल ऑफ माउथ इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एंग्लोस्टोमेटाइटिस, टंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ग्लोसाइटिस. ये पिक्चर देखते जाओ, और पोस्ट क्रिकेट एरिया में पहले वेब बनती है जिसकी वजह से मरीज को डिस्फेजिया होता है, और बाद में फिर उस एरिया का कैंसर बन जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो. ठीक है, ये फीचर देख रहे हो सारे, आर यू सीइंग द फीचर्स. तो आयरन औरतों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, शाबाश, गुड आयशा, गुड जुबैर, गुड मिसाल. ठीक है, अगर उसकी स्पून शेप नेल हो जाएंगे, एंग्लोस्टोमेटाइटिस हो जाएगा, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, और हाइपोफेरेस में पोस्ट क्रिकेट रीजन यूजुअली इन्वॉल्व है, वहां पे वेबिंग हो जाएगी जिसकी वजह से मरीज को डिस्फेज क्या होगा, तो दैट सिंड्रोम कलेक्टिव सिंड्रोम इज कॉल्ड एज Plummer-Vinson सिंड्रोम. ठीक है, इस तरह और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे ये फीचर था, विच वन इज नॉट दिस, के साथ एक क्लोराइडिया स्टमक में एसिड कम हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक की उसकी एट्रोफी हो सकती है, 10% केसेस कैंसर डेवलप करते हैं जो पोस्ट क्रिकेट कैंसर हम पढ़ चुके हुए हैं, बाकी टंग का, बकल मिकोजा, फेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, कहीं का भी कैंसर आ सकता है, लेकिन पोस्ट क्रिकेट ज्यादा कॉमन है. ठीक है, क्वेश्चन आता है, 40 फीमेल आई है डिस्फेजिया डिजनिया के साथ और पेल है वो. ठीक है, तो पेल है डिस्फेजिया डिजनिया की वजह से, चलो डिस्फेजिया तो है पोस्ट क्रिकेट गैप की वजह से, डिजनिया क्यों है भाई,
जी बेटा बताओ, पेशेंट को डिस्फेजिया तो हो गया, वेब बना हुआ है, पेशेंट को डिस्निया क्यों है? हाँ भाई, मिसाल आयदा, कोमल, आयशा, सुबैर, भाई पेशेंट है डिस्निक, डिस्निया क्यों है? पता तो उसको वेब तो बना हुआ है पोस्टल रीजन में। एनीमिया, एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश आयशा, मिसाल एनीमिया की वजह से, गुड, ठीक है, एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, सो पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम डिस्निया ऑल्सो। अगर 15 साल का लड़का आता है एक्सट्रीम फेलर के साथ, ठीक है, विद मैस इन द नोज, तो डायग्नोसिस इज एंजियोफाइब्रोमा, गुड नोरोफोदा, शाबाश, अब तुम लोग सही लाइन पे चढ़े हो, वेरी गुड, एंजियोफाइब्रोमा। और अगर 30-35 साल की फीमेल सीवियर एनीमिया और डिस्फेजिया के साथ आती है, तो देन इट इज द प्लमर-विल्सन सिंड्रोम। तो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट, ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्लमर-विल्सन, गुड मिसाल, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे लाइन पे आ गए हैं बेटा, वेरी नाइस, ठीक है। वेबिंग होती है पोस्टीरियर रीजन में, तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है इसकी, बस एनीमिया को करेक्ट करना है, विटामिन बी12, बी6 देना है, और जो वेब दे रही है उसको डाइल्यूट कर देना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जो पढ़ा है इसमें प्लमर-विल्सन सिंड्रोम इज इंपॉर्टेंट और इसोफेजियल परफोरेशन, ग्लोबस फ्रेंजर्स, ये वन फीमेल्स में ज्यादा फंक्शनल डिसऑर्डर है, तो फीमेल्स मैं कहता हूँ जिनकी शादी नहीं हो रही होती और वो ड्रामे कर रही होती हैं, गले में फंस गया स्ट्रेस की वजह से, गले में फंस गया, एक ये एक हिस्टेरिकल न्यूरोसिस एंड ग्लोबस फ्रेंजी, दिस इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स, इमोशनली अनस्टेबल फीमेल्स में, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में आपने सिर्फ ये देखना है, ये जो इसोफेजियल स्पैज में, हाइपर मोटिलिटी में, इसमें एक होते हैं, अगर पूरा इसोफेजियल का स्पैज में नॉन पेरिस्टाल्टिक है, तो उसमें बेरियम फ्लोरो में क्या पिक्चर आएगी, तो पॉक्स क्रियू, जैसे बत्ती है जो ढक्कन खोलने वाला, नहीं बोतल का ढक्कन खोलने वाला होता है, पॉक्स क्रियू, अगर उसकी तरह का इसोफेगस आ गया, ये वाला इसको बोलते हैं डिफ्यूज इसोफेगस स्पैज, पूरा इसोफेगस स्पैज में गया हुआ है, कंट्रेक्शन है लेकिन पेरिस्टाल्सिस नहीं है, पॉक्स क्रियू इसोफेगस। सर शादी का क्या लेना देना स्पैज से? बहुत ज्यादा लेना देना है, जब तुम क्लिनिक करोगी ना, तो तुम किसी बड़े अस्पताल में हाउस जॉब कर रही होगी, जैसे हम लोग करते थे LGH के अंदर, तो बड़े हॉस्पिटल में जब तुम बैठी होगी वहां पे, तो पेशेंट आएगी तुम्हारे पास, एकदम आके वो कोलैप्स कर जाएगी, तुम देखोगे उसके वाइटल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, ECG भी करा ली, एको भी करा ली, हर चीज ठीक ठाक है, मरीज को तुम जो मर्जी कर लो वो होश में नहीं आती, ठीक है, तो वो होश में नहीं आती, यस इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो वन जो है ना एक फीचर कुछ ये है, तो वो अब क्या होता है कि आप क्या करते हैं उसमें, कई बार हमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट अब वो बेड भी नहीं छोड़ती, पेरेंट्स बड़े वरीड होते हैं हमारी बच्ची भी होश है, हालांकि उसको देखते हैं तो उसके पीपल की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से ठीक है, लेकिन वो हिलती नहीं है हिस्टेरिकल न्यूरोसिस के अंदर, तो कई बार हर हम मैं तो नहीं करता था, लेकिन एक प्रैक्टिस थी ये लोग पुराने में, उसको अमोनिया सुंघाते होते ताकि वो उठ जाए, जिस तरह फीमेल आएगी आपके पास, यूजली फीमेल, मेल भी हो सकते हैं, नॉट मोस्ट लाइकली, फीमेल थोड़ी सी तरह मेरे नाजुक होती है इस वजह से, और उसमें फिर इस तरह आएंगे कि डॉक्टर साहब अभी ओपीडी में बैठे हुए, डॉक्टर साहब मेरे गले में लगता है कुछ फंसी हुई है, आप उसको पूरी गर्ट देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ना कोई गर्ट की हिस्ट्री है, ना गर्ट के फीचर्स हैं, ना पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, अब वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो गले में कुछ फंसा हुआ है, तो दैट इज द फंक्शनल। देखो ना, आपका बेसिकली सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल वेजोमोटर राइनाइटिस, क्या है स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस का पेशेंट वेजोमोटर राइनाइटिस के साथ आएगा, ग्लोबस के साथ आएगा, एस्पीडिया के साथ आएगा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट इज गोल्डन, लगा दें, हाँ अच्छा तुमने गोल्डन, अच्छा गोल्डन का क्या मतलब है, वेरी नाइस आशा, तुम तो बहुत तेज हो गोल्डन से भी कई बार जो है ना वो गोल्डन इंजेक्शन, गोल्डन से भी कई बार काम नहीं करता, बस गोल्डन क्या है वैसे, बाकी बच्चों के लिए बताओ भी जुबैर और आयशा, गोल्डन क्या है मुझे मेरे हाउस जॉब याद करवा दी है, हाँ गोल्डन हम बताते, लेकिन गोल्डन भी यस पानी का टीका, ठीक है स्टीरियल वाटर इंजेक्शन, गुड, तो तुम लोगों को पता लगता, तुम लोगों ने अर्थें की है, अभी तुम हाउस जॉब तो तुमने की नहीं, कहाँ देखा तुमने गोल्डन का इंजेक्शन लगते है,
चमकतरी इंजेक्शन पेशेंट की नजर में। इसका क्या मतलब है? चमकतरी इंजेक्शन पेशेंट की नजर में, ये मुझे मिसाल नाली पानी वाला इंजेक्शन नहीं, ये तो बताया कि उसको बाकी दर्द भूल जाती है, इसकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे इफेक्टिव ऐसे अमोनिया है, अमोनिया से बड़े बड़े जो है ना वो अमोनिया अगर सुंघाते हैं उससे बड़े बड़े जाग जाते हैं। चलो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैल मेरे घर सर, यस ठीक है जी। तो ये जो मैं स्ट्रेस की चीजें बताता हूँ ना हमारे अंदर बड़ा, ये जो अभी भी मुझे तुम लोगों के कई मैसेज आते हैं सर एकदम सुबह उठती हूँ छींकें शुरू हो गई, दवाइयां भी ले लेती हूँ, जुकाम रहता है, हर वक्त गले में रेशा रहता है, बार बार हो जाता है, तो एलर्जी की एक वजह वेजोमोटर, ठीक है। इस तरह जिनको स्टमक रिकरेंट स्टमक का प्रॉब्लम होता है अगेन वेजोमोटर ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो हम लाइफ बना ली हुई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज में कॉक्स थ्री इसोफेगस होता है, ठीक है, और नट क्रैकर इसोफेगस होती है, इसमें चेस्ट पेन यूजली होती है बेसिकली, लेकिन नॉन कार्डिक होती है। कभी पेशेंट ऐसा भी आ जाता है नट क्रैकर इसोफेगस का चेस्ट पेन है जी बहुत शदीद, तो बेसिकली वो क्या होता है, आप अगर हार्ट को रूल आउट कर रही ईसीजी ठीक है, तो फिर वो उसको बेसिकली उसको या तो मोटिलिटी डिसऑर्डर है हाइपर मोटिलिटी या फिर वो साइकोजेनिक है। लेकिन सारे मैंने ये नहीं एग्जाम से पढ़ाया था, तो साइकोजेनिक पहले अपने ऑर्गेनिक कॉज उसको रूल आउट करनी है, ये ना कोई जो भी औरत आए गले में फंसा हुआ जी वो प्लम्बर वेंशन की और आप जनाब कहने ये ड्रामे कर रही है, पहले ऑर्गेनिक कॉज उसकी रूल आउट करनी है। कार्डिक एकलेशिया द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट इज दी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लम्बर वेंशन था, दूसरा कार्डिक एकलेशिया है। कार्डिक एकलेशिया याद रखना है ये होता है बेसिकली, इसमें ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो नर्व प्लेक्सस होते हैं इन द वॉल ऑफ इसोफेगस उनकी डिजनरेशन हो जाती है। तो मरीज को क्या होता है, मरीज को होता है डिसफेजिया टू द लिक्विड। अब मुझे ये बताओ ओल्ड पेशेंट डिसफेजिया टू डिसफेजिया आफ्टर फ्यू स्वॉलोस, दो तीन लुकमों के बाद मरीज को अगर डिसफेजिया हो जाता है और वो मरीज कहता है मुझे खांसी भी रहती है, रात जब लेटता हूँ मुझे खांसी आ जाती है, सांस रुकता है, दैट इज द जैंकर, शाबाश। अगर मरीज कहता है कि उसको डिसफेजिया टू लिक्विड्स है, लिक्विड लेने में ज्यादा मसला है और सॉलिड में उसको कम है, ज्यादा लिक्विड में, जब रात को सोता है उसको खांसी भी आती है, गले में रेशा फंस जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होती है, तो शाबाश वो एक एलेजिया कार्डिया। तो जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे वहाँ यूजुअली डिस्फेजिया होता है लिक्विड को, आयदा शाबाश आयशा आयदा अनुरुदा मिसाल वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो इसमें ये कैसी अपीयर आती है, इसमें प्रॉब्लम बेसिकली क्या है जी, प्रॉब्लम है आपका जो आपका नर्व प्लेक्सस है वो डिजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर पेरिस्टाल्सिस नहीं होती उसकी बॉडी के अंदर और नीचे वाला जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं करता, वो कंट्रैक्ट रहता है, ठीक है, नॉट ओपनिंग। इसमें बेरियम सोलम रेड टेल शाबाश मिसाल वेरी गुड, साल मेरे से एक स्टेप आगे जा रही है शाबाश। तो इसके अंदर जो अपीयरेंस आएगी वो होगी चूहे की दुम की तरह की, ये देखो चूहे की दुम या परिंदे की चोंच, रेड टेल अपीयरेंस, बर्ड बीक अपीयरेंस इज द फीचर ऑफ कार्डिक एकलेशिया, ठीक है। कार्डिक क्यों कहते हैं, क्योंकि लोअर सेंट्रल इन्वॉल्व होता है वो ओपन ही हो रहा होता है हार्ट नीचे वाला, तो ऐसा सिनेरियो होता है। डिसफेजिया टू लिक्विड 45 साल, कभी कभी सॉलिड से वो कहते हैं इसके मुंह से बहुत स्मेल आती है, रीगर्जिटेशन फूड भी होता है, जो चेस्ट इन्फेक्शन भी बार बार हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है डायग्नोसिस में सबसे पहले डिसफेजिया, ठीक है, डिसफेजिया विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोसिस, प्लम्बर विंसन शाबाश, डिसफेजिया विद कॉक्स क्रू इसोफेगस, विद कॉक्स क्रू अपीयरेंस इन द बेरियम स्वालो, डिफ्यूज इसोफेगियल स्पैज्म, तो डिसफेजिया आफ्टर फ्यू स्वालोस जैंकर्स शाबाश, डिसफेजिया मोर टू द लिक्विड्स विद रेड टेल अपीयरेंस ऑन बेरियम स्वालो, गुड आइडिया शाबाश, दैट इज एकलेशिया, ठीक है। इस तरह आपने डिसफेजिया को डिफरेंशियल डायग्नोज करना है और उस लिहाज से फिर आपने ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दी कॉज। तो कार्डिक एकलेशिया ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मायोटमी कर देते हैं, मसल को रिलीज कर देते हैं, म्यूकोसा कुछ नहीं करते, मसल को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर को डायलेट करते हैं और जो मसल है उसको उसको रिलीज कर देते हैं, मायोटमी कर देते हैं,
ताकि वहां से जब जो नीचे वाला स्फिंक्टर क्लोज है वो ओपन हो सके और खाना नीचे जा सके। गर्ड, अब ये गर्ड बड़ा कॉमन है, गर्ड भी ज्यादातर जो है ना वो एंग्शियस लोगों में ज्यादातर होता है, या मोटे लोगों में या एंग्शियस लोगों में, हमारे मोटापा बहुत ज्यादा है। जैसे मुझे, मेरे भी अब पौन निकल आई है तो मुझे भी गर्ड का बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो हम लोग हर वक्त सोए रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, खड़े होकर ऑपरेशन कर लिया, बैठ के ओपीडी कर ली, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें ये यूजली। इसी तरह जो आप साइकोसोमेटिक, अगेन इसमें भी जब ज्यादा स्ट्रेस लोगे एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वो एसिड जो है आपका लोअर स्फिंक्टर को, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को खराब करेगा, जिसकी वजह से रिफ्लक्स ऑफ एसिड इनटू द फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस आएगा। ठीक है, तो मरीज को क्या होगा, मरीज को जलन होगी चेस्ट के अंदर, ठीक है, खाना हजम नहीं होगा, बार बार रीगजिटेशन होगी, सबसे में पेन होगी, इवन मरीज को गला खराब होगा। ये देखो ये जो बता रहा था ना क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस, दैट इज द वन कॉज इज द, ये देखो लिखा हुआ पोस्टीरियर लेरिंजाइटिस, ठीक है, कॉजिंग थ्रोट पेन, गले में हर वक्त दर्द रहे, आपका गला वैसे ठीक है लेकिन आपको हर वक्त दर्द रहे, आवाज खराब रहे, रिपीटेड थ्रोट क्लियरिंग रहे, अल्सर बन जाए, ठीक है, ये सारे, इवन कान में इंफेक्शन हो सकती है, गला खराब होगा तो स्टेशन ट्यूब से उसका डिस्फंक्शन हो सकता है, लंग एस्पिरेशन हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हो सकता है। तो ये गर्ड जो है ना ये क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसमें करना क्या है अपने ट्रीटमेंट में, एक तो खाना खासा लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है, थोड़ा ऊंचा तकिया लेके लेटना है, और जो चीजें ज्यादा एसिडिटी ज्यादा करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में चाय है, ठीक है, चाय को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, जिन जिनको गट की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक गला खराब रहता है, मैं इसलिए आप लोगों को ये बना बना करता हूँ, जो मेरे पास आते हो ना, नो टी, नो कॉफी, नो कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, केचप, ये नहीं लेना, ये सारे एसिडिटी ज्यादा करती है। तो स्ट्रेस तो फिर लोग कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारे जिनको क्रॉनिक गला खराब रहता है, मैं ये बताता हूँ, क्रॉनिक एलर्जी रहती है तब मैं बताता हूँ पेशेंट्स को, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एंटिटी। बाकी फिर आपने मेडिसिन देनी है, शाबाश, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देने हैं, जैसे मेटिडीन, रनिटिडीन है, और आपने साथ आपने देना है इसको एंटासिड देने हैं और PPI देने हैं, शाबाश। सक्लेरोडर्मा पढ़ लेना, शार्सिनोमा वगैरह, अब आज का टॉपिक था कार्सिनोमा कैंसर, शाबाश। तो कैंसर क्या है जी, एसोफेगस का कैंसर हो जाए, जिस तरह बाकी कैंसर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा कॉमन है, तो बाकी ENT के अंदर एग्जैक्ट एटियोलॉजी अगेन अननोन है, लेकिन स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये ज्यादा कर देती है रिस्क, ठीक है, अगेन वो अल्सरेटिव इन्फिल्ट्रेटिव या आपका प्रोलिफेरेटिव होगी ग्रोथ। तो पेशेंट को क्या होगा यहाँ पे, डिस्फेजिया टू ओल्ड एज, डिस्फेजिया टू सॉलिड, और बाकी चीजें भी आ रही होंगी, पेशेंट का वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है, नेक नोड्स होंगे, चेस्ट पिंपल के नोड्स आएंगे, डायग्नोस कैसे करना है, अपने बेरियम फॉलो करेंगे, वहां पे कई बार आपको स्ट्रक्चर नजर आ सकता है, कभी कभी एक जगह पर स्ट्रक्चर नजर आ सकता है, लेकिन मेन एसोफेगोस्कोपी से बेस्ट एंटिटी इसमें है, वो एसोफेगोस्कोपी है, उस पर आप देखेंगे लीजन है तो बायोप्सी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी तो फ्लूइड एक्सटेंशन टू ट्रेकिया और सीटी स्कैन। पहले पहले मुझे ये बताओ, एसोफेगोस्कोपी करोगे या पहले बेरियम फॉलो और सीटी स्कैन करोगे? सर डज कार्डियक एक्रेजर रिकर आफ्टर मायोटोमी? यस इट कैन रिकर, अगर मायोटोमी ठीक नहीं की हुई उसकी वजह से हो सकता है रिकर, अगर अच्छी नहीं की हुई। मायोटोमी बड़ी जो है ना वो सेंसिटिव की सर्जरी है, उसमें जो मसल काटते हैं बड़े ध्यान से काटना, अगर निकोजा तक आपने काट दिया तो फिर परफ्यूशन हो जाती है। बेरियम सोलो सीटी यस, नॉन इंटरवेंशन हमेशा पहले करनी है, ठीक है, इंटरवेंशन हमेशा बाद में करनी है। तो पहले आप सीटी स्कैन बेरियम सोलो करोगे, बाद में आपने इसकी बायोप्सी लेनी है सभी को। ट्रीटमेंट में अगर अपर टू थर्ड पे है, अपर टू थर्ड में मैंने पहले ही पूछा था क्यों रिपेयर नहीं करते, अपर टू थर्ड जरा डेंजरस है, वहां पे वेन और साथ नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, ठीक है, इससे जो सर्वाइकल एसोफेगस का जो प्रॉब्लम होता है वो बड़े ध्यान से आप उसको ओपन करते हैं, किसी भी वाइटल स्ट्रक्चर को आप डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, जबकि आपका जो लोअर वन थर्ड है वो जरा कंपैरेटिवली सेफ है,
वहां पे आप सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी करके वो पार्ट निकालना है और स्टमक से उसको स्टमक ऊपर पुल करके जो रिमेनिंग इसॉफेगस है उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना। अगर बहुत एडवांस केसेस है, मेटास्टेसिस है, तो फिर आपने सिर्फ फूड चैनल एक बना देना है, रेडिएशन है, कीमो देनी है, रेडियो देनी है और नीचे आपने मेजर वेसल की वजह से, यस गुड गुड मिसाल, हाँ मेजर वेसल की वजह से नेक में हम सर्जरी नहीं करते, इसॉफेगस अवॉइड करते हैं, ठीक है। और अगर मेटास्टेटिक है उसमें लिवर में भी चलेगी, लंग में भी चलेगी, तो फिर आप क्या करते हैं, पेलिएशन करते हैं। पेलिएशन में इनकी उसकी जिंदगी बस कंफर्टेबल बनानी है, क्योर नहीं कर सकते, जब उसके सिम्टम्स रिलीव करने हैं तो आप क्या, खाना उसका बंद हुआ हो तो आप गैस्ट्रोस्टमी कर देते हैं, ठीक है, या जिजनोस्टमी कर सकते हैं, या स्टमक के अंदर आप डाल देते हैं ट्यूब जहां से फीडिंग हो सके, और साथ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। तो कार्सिनोमा के अंदर ऐसा आ सकता है कि पूरा नीचे सॉफेगस डैमेज हो गया, ट्यूमर की वजह से सारे खाई जा रही है, और सर्जरी में ये करते हैं लोअर वन थर्ड का अगर कैंसर है, जैसे सीमा में देखो कैंसर है लोअर वन थर्ड का, वो कैंसर निकाला, ठीक है, हेल्दी मिकोजा लेके और स्टमक ऊपर पुल करके रिपेयर कर दिया, ठीक है, लोअर वन थर्ड, अपर वन थर्ड में कंजर्वेटिव करते हैं, तो उसको रिपेयर करने के बाद कई बार ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो आप फिर स्टेंट भी बाद में डालते हैं। कार्सिनोमा सॉफेगस को बस एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। इस तरह फॉरेन बॉडीज मैंने कौन सी चार जगह बताई थी जो फंसती हैं पेरेंट्स के अंदर, फोर साइड्स, टेल मी दी फोर साइड्स, जो फॉरेन बॉडीज, टॉन्सिल, टंग बेस, शाबाश और आया था पेरिफॉर्म फोसा, शाबाश और चौथी पेलिकुला, शाबाश, ठीक है, फेरेंस में और इसोफेगस में, इसोफेगस में कहां फंसती हैं, अभी मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, तीन कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन हैं, 15, 25, 40 सेंटीमीटर पे, 15 पे क्या अपर एंड ऑफ इसोफेगस है, ट्रिकोफ्रिंजेस, व्हिच इज द नैरोएस्ट पार्ट, व्हाट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ एयरवे, एयरवे का नैरोएस्ट पार्ट बताओ मुझे, ट्रिकोफ्रिंजेस, शायद ट्रिकोफ्रिंजेस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, शाबाश, अपर एंड ऑफ इसोफेगस, एयरवे का कौन सा है, ये सवाल हम आपसे बार बार पूछते हैं, एयरवे का कौन सा नैरोएस्ट पार्ट, नो बच्चों में, सब लौटे से बड़ों में, गुड आयदा, बड़ों में ग्लॉटिस है, वोकल कॉर्ड, शाबाश, कोमल असन, ग्लॉटिस, शाबाश, आयदा, गुड, बड़ों में ग्लॉटिस है, बच्चों में सब ग्लॉटिस है, इससे जो खाने वाला ट्रैक है उसमें सबसे जो नैरोस्ट पार्ट है दैट इज द अपर एंड ऑफ इसोफेगस। तो तीन कंस्ट्रिक्शन जो है 15, 25 और 40 सेंटीमीटर, 15 पे क्या है अपर एंड है, नैरोस्ट पार्ट है, वोकल कॉर्ड इन नर्व्स, गुड, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे आर्क ऑफ एओर्टा या ब्रोंकस को क्रॉस करते हैं, और 40 सेंटीमीटर या इनसाइजर से बात हो रही है, 40 सेंटीमीटर पे डायफ्राम से गुजरती है इसोफेगस, ठीक है, इन तीन जगह पे फॉरम बॉडी फंस सकती है। तो ट्रिकोफ्रिंजेस पे जो फंसती है वो ऐसी नजर आती है, ये अमूमन बच्चे सिक्के सिक्का फंसा के आ जाते हैं, ये ट्रिकोफ्रिंजेस पे फंसी हुई है अपर एंड पे, सब ग्लॉटिक चिल्ड्रन, गुड मिसाल, ठीक है, ये बड़ा कॉमन है, बच्चे जो है ना सिक्का 5 रुपए का सिक्का उनमें डालते जाते जाते उन्होंने फंस गया जाके इसोफेगस के अपर एंड पे, ट्रिकोफ्रिंजेस के लेवल पे, ठीक है, फॉरम बॉडी अपर एंड ऑफ इसोफेगस, ठीक है, तीन फंसा हुआ है। तो इसमें मेटालिक ज्यादा फॉरम बॉडी डेंजरस होंगी या नॉन मेटालिक ऑर्गेनिक, वो एयरवे वाला हिसाब ही है, मेटालिक ज्यादा डेंजरस है या नॉन मेटालिक, वाई मेटालिक, मेटालिक नॉन पॉइंटेड डेंजरस है, वो नॉन पॉइंटेड, यस नॉन मेटालिक डेंजरस है, बट नॉन मेटालिक जो है ऑर्गेनिक, जैसे कोई फूड का पार्टिकल है या कुछ, वो लोकल वहां पे रिएक्शन करना शुरू कर देता है, लोकल रिएक्शन की वजह से वहां पे डीमा इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है, ग्रैनुलेशन ऑफ फाइब्रोसिस, ठीक है,
मेटालिक अगर पॉइंटेड है तो वो डेंजरस है, ठीक है, वो प्रोफेशन कर देगी, अदरवाइज वो डेंजरस नहीं होती मेटालिक। जैसे ये कील फंसा हुआ है इसको, यहाँ सिक्का फंसा हुआ, सिक्का क्या करेगा, सिर्फ खाना ही रुके रोकेगा ना, फ्रैक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कोई आपका फूड का बोलस फंस जाता है तो दैट विल कॉज द क्रैश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। बच्चे फंसा लेते हैं उनमें, ठीक है, बड़ों में फंस सकती है, जैसे बड़ों ने दांत लगाए हुए हैं तो कई बार दांत जो है एक्सीडेंटली चला जाता है नीचे स्टमक के अंदर, ठीक है। अगर बहुत तेजी से जो लोग खाते हैं ऊपर जब बड़ी जाती है तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हेस्ट क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो कि एकदम हेस्ट में खाना खाया तो बड़ा सा फूड का बोलस, मीट का बोलस फंसा के आ गए, ठीक है। तो दिस इज द एटियोलॉजी। वो तीन कंस्ट्रक्शन हैं 15, 25, 40 पे। तो आपको क्वेश्चन क्या था, फॉरम बड़ी फंस गई, हाउ विल यू मैनेज। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, फ्लोरोस्कोपी, अगर एक्सरे के साथ आप उसके इमेज भी लेते हैं, आप एक बेरियम के बेरियम फिर कैप्सूल खिला के फिर देखते हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ वहां पे नजर आ जाता है आपको, ठीक है। तो मेन एक्सरे कराते हैं या बहुत अगर प्रॉब्लम सीटी स्कैन करवा लेंगे। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, इसोफेगोस्कोपी करेंगे और उसको रिमूव करेंगे, और अगर वो इम्पेक्टेड है तो फिर कई बार आपको इसोफेगोटमी भी करनी पड़ सकती है, इंसिजन लगाया इसोफेगस के अंदर और फिर निकालना पड़ता है। और कई बार ये है कि इसोफेगस नीचे पेट में चली जाती है, लेकिन वो आपने आपको कई बार वो निकालनी पड़ती है। तो वो कौन सी है, वो बेसिकली पॉइंटेड है, जैसे पिन चली गई है, वो कहीं पर भी गट में जाके आपको परफोरेशन कर सकती है पेशेंट को। तो जिसकी वजह से आपने अगर वो कई बार रूटीन में हम ये कहते हैं कि अगर कोई क्रिको फ्रिंजेस से नीचे चली गई है फॉरन बॉडी, ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है, तो बस हम कुछ नहीं करते उसका, वो खुद ही इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, स्टूल बच्चे का स्टूल ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसमें खुद ही निकल जाती है वो, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर वो क्रिको फ्रिंजेस से पास कर गई है तो दैट इज द नैरोस्ट पार्ट, उसके बाद आगे कहीं नहीं रुकेगी, फिर वो जाती जाएगी आगे। तो अगर अगर वो पॉइंटेड है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके लिप्रोटमी करके उसको निकालना पड़ता है। या हमें लिप्रोटमी कब करनी पड़ती है, जब पेशेंट की पेन ठीक ना हो रही हो, और एक्सरे करवा रहे हैं, ब्लंट भी नहीं निकली फॉरन बॉडी, या फॉरन बॉडी पॉइंटेड है, जैसे हेयर पेन है, कुछ स्टेनोसिस है, कंजेंटल स्टेनोसिस है, लोअर इसोफेगस का पूछो। अब आज के जो रिमेनिंग लेक्चर है उसमें, और नेक्स्ट फिर मुझे बताओ, नोज रिवाइज करना शुरू करें या ईयर करें बेटा? डिफ्यूज इसोफेगियल स्पैज़्म, डिफ्यूज स्पैज़्म में होता है कि उसमें बड़ी तेजी के साथ कंट्रैक्शन आती हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन बड़ी तेजी से आती हैं, लेकिन पेरिस्टाल्सिस नहीं होता, खाना आगे नहीं जाता, फिर वहीं पे वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अगेन बेसिकली डिजेनरेटिव, ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये डिफ्यूज इसोफेगियल स्पैज़्म में। कंट्रैक्शन बड़ी जोर जोर से आ रही होती है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस खाना आगे नहीं मूव कर रहा होता। नोज से स्टार्ट कर दें, बाकी बच्चों भी ये कहते हैं नोज से स्टार्ट कर दें, मेरा भी वैसे यही दिल है कि नोज से स्टार्ट करें, फिर हम ये फिर दोबारा आ जाएं। जिन जिन बच्चों ने नहीं सुना हुआ, अब यहाँ से रिवीजन हमारी स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने अब गौर से सुनना करना है। यहाँ से हम एक में इंशाल्लाह एक डेढ़ माह में पूरा ईएनटी रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको बता दो, जस्ट स्टार्ट माई लेक्चर, स्टार्ट लिसनिंग माई लेक्चर,
इंशाल्लाह ताला उम्मीद बहुत है कि आप लोगों को ईएनटी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आज थोड़ा सा जो आपके 10 मिनट्स रह गए हैं उसमें नोट्स पर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जिस जिसने सुनना है सुने, जिसने सोना है वो सो जाए। वैसे तो मुझे लगता है 2-3 क्लासेस हुई होती है, 20-25 ही लड़कियां ज्यादातर हैं, कुछ लड़के हैं जो सुनते हैं हमेशा मेरी बात। चलो जो एनाटॉमी ऑफ नोज, एक्सटर्नल ये नोज है, ऊपर वाली सरफेस को डॉर्सम कहते हैं। इसमें उल्ट होता है, जो रूट है नॉर्मली रूट नीचे होता है, नोज का रूट ऊपर की तरफ होता है, ये देखो ठीक है। नॉर्मली जो जड़ है वो नीचे होती है, लेकिन नोज का जो रूट है वो ऊपर है जहां वो फोरहेड से मिला हुआ है ठीक है, और नीचे उसकी एपेक्स है। स्टार्ट से सर नोज को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लें अगर, चलो ठीक है। तो अभी 20 मिनट में क्या करें फिर, हीरा बताओ, हीरा मायदा चिल, अच्छा अभी चिल करें। तो तुम लोग तो आराम कर रहे हो बिस्तर में, मैं क्या करूं इधर तुम तो चिल कर रहे हो, मैं बताओ क्या करूं, यहाँ बैठ कुर्सी पे बैठा हूँ एविशिना की अनकंफर्टेबल। हाँ भाई बताओ भी, मायदा हीरा कोमल सर लास्ट ईयर एनटी के प्रॉफ का क्या प्रॉब्लम हुआ था? ईएनटी के प्रॉफ को यही प्रॉब्लम हुआ था कि 10-11 नालायक बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं वो फिर भी नहीं सुनते। लेकिन हमारे मेरे ख्याल में हाँ पेपर में प्रॉब्लम हुआ था। हाँ शबो जो पूछ रहे हो वो बेटा इस तरह है, सिनेरियो ये था कि वो बहुत डरा रही इस बार। कौन डरा रही है भाई, पढ़ोगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का प्रॉब्लम तो ये था कि बच्चों को कि पूल चेंज है, होना चाहिए पूल चेंज। मुझे तो दें बनाने के लिए, मुझे तो बुलाते नहीं, मैं तो सारा पेपर तुम्हारा चेंज करके रखूं। आयतल कुर्सुक पढ़ो आयदा तो मुझे दें ना तो मैं टिका के बनाऊं। एक्चुअली जैसे हमारा बाकी सारा है ना सिस्टम सारा क्रैश किया हुआ है, तो ये यूएचएस का सिस्टम भी बहुत बुरा है। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को तो सिस्टम बीट करने भी आते हैं, तो मैंने देख भी लिया तुम लोगों को, तुम लोग घर बैठ के क्या हरकतें कर रहे हो ठीक है। तुम तेज बच्चों, जहां से हम खत्म होते हैं वहां तक तुम लोग शुरू होते हो। तो यूएचएस ने जनाब कुछ 1-3 दिन पहले, जिस दिन आप लोगों का नहीं, यानी आपसे जो सीनियर क्लास थी, पैथोलॉजी का पेपर हो गया, सेकेंड ईएनटी का था 2 दिन बाद, उन्होंने फोन किया एक प्रोफेसर को कि आप जो है ना सर हमने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा मुझे पता तुमने कुछ नहीं किया। तो वो उन्होंने प्रोफेसर को फोन किया, लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के प्रोफेसर थे, कि आप पेपर बना दें, यानी कि पैथोलॉजी का पेपर, पैथो का हो गया है, ईएनटी का पेपर बना दें। अब ईएनटी का जो पेपर था वो उन डॉक्टर साहब ने कह दिया जी कि मैं तो नहीं बनाऊंगा। नहीं उन्होंने बल्कि पूछा कि अगले साल का बनाना है। जारी बात है सीपीएसपी का ट्रेंड यही है कि आप 1 साल पहले पेपर बनाना शुरू कर देते हैं ताकि आपके क्वालिटी पेपर बने जिसमें प्रॉपर अच्छी असेसमेंट हो। हाँ पूछो पूछो, मिसाल तुम पूछो। तो वो क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा यूएचएस वालों ने नहीं हमें ये परसों जो पेपर आना वो आना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक और डॉक्टर साहब को कहा, एक प्रोफेसर साहब को कहा, उन प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि कॉपी पेस्ट कर दिया पेपर। अब एक मेडिकल कॉलेज है इधर मुल्तान रोड पे बना हुआ, उसका पता नहीं क्या नाम है, उसका हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है, कोई एनजीओ के नाम पे नहीं, रेड क्रिश्चियन, यस मित्रों द रेड क्रिश्चियन। अब रेड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में ईएनटी का बंदा कोई नहीं है, ईएनटी का बंदा कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास पेपर उठाया, कई का पेपर उठाया, और वो कई का पेपर उठा के उन्होंने अपने स्टैंड अप में दे दिया। अब कई के प्रोफेसर साहब ने वही पेपर जो था ना वो बेसिक उनको तो पता नहीं था, उन्होंने वही एनुअल में दे दिया। अब रेड क्रिश्चियन में वो पेपर आया हुआ था स्टैंड अप के अंदर, वो आपको एनुअल में भी आ गया। अब वो काम बड़ा खराब हो गया, पेपर था बहुत ही सिंपल बहुत इजी। पिछली बार फिर काफी शर्म दिलाई है यूएचएस वालों को कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, बच्चे
तुम लोगों ने क्लिनिकली वो तो वैसे ही बड़े वीक कर दिए हुए हैं, क्लिनिकली तो कुछ है ही नहीं ना आप लोगों का, क्लिनिकली तो आप लोग बस मजे हैं आपकी, एक्चुअल तो होना चाहिए क्लिनिकल, आप लोगों को क्लिनिकल आना चाहिए, ईएनटी में मरीज देखना आना चाहिए, मरीज का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कम से कम ईएनटी का मरीज है। हमारे जमाने में जैसे मैं को बताता हूँ क्लिनिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब आपकी थ्योरी में भी वही हरकतें होनी शुरू हो जाए जो क्लिनिकल में होती है, तो वो अब बड़ा था। अब इस पर उम्मीद बहुत है कि यूएचएस ने इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे शर्म खाई है और आप लोगों का पेपर अच्छा ज्यादा टका के आ गया। नॉट इज कोई मोस्ट रिलायबल साइन इज लेटर क्रस्ट ऑफ मेलियस हैंडल ऑफ मेलियस अम्बो कोन ऑफ लाइट, कोन ऑफ लाइट, कोन ऑफ लाइट, अच्छा जी। तो ये लास्ट ईयर में ये चक्कर था, और उससे पिछले साल जब सर नहीं थे, युग साहब नहीं थे, मैंने सारा पढ़ाया और मुझे था कि मैं कुछ फहमी थी कि मैं शायद ठीक पढ़ाता हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप लोग 100% लेंगे। जैसे M9 लिए हमारे आज तक दो बार आया 100%, M9 ने भी लिया, 11 सप्लियां आई सारे रिटर्न के अंदर, दे होने के चांसेस हैं, नो नहीं होंगे इंशाल्लाह, दे नहीं होंगे, तो 11 सप्लियां आ गए और आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड कि यार क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। जिन्होंने नहीं सुनना वो जो 10-11 हैं वो हर क्लास में प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं। ओके सर का क्या मतलब, अल्लाह हाफिज, अगला लेक्चर के शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अभी प्लीज ये से स्टार्ट कर दें, अब तुम खुद डिसाइड कर लो डिले होना अच्छा है या बुरा। बुरा हमेशा बुरा, टाइम पे निकलो, टाइम पे अपना खत्म करो बेटा, हमेशा MBBS खत्म करो टाइम पे, डॉक्टर बनो जल्दी जल्दी, फिर डॉक्टर बन के जो करना है करो, शादी करनी है शादी करो, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, सर्जन बनना है सर्जन बनो, ठीक है, ध्यान चढ़ाओ, जिसको कभी भी डिले पे ना सोचा करो, डिले पे खुश ना हुआ करो, जो टाइम पे काम हो जाए वो ही बेहतर है। कितना टाइम रह गया यार, 14 मिनट रहते हैं अभी, स्टे एन एक्स्ट्रा डे, व्हाई वुड यू वांट टू स्टे एन एक्स्ट्रा डे हियर, वेयर, कहां पे भाई? आई एग्री सर, सर अगर तुम पे टाइम पे लेंगे तो कोई फेवर देगा यूएचएस को? यूएचएस फेवर ही फेवर देता तुम लोगों को, इतनी फेवर है तुम लोगों की, मौजें लगी हुई है, क्लिनिकल सारा कुछ हमारे हाथ में है, रिटर्न तुम लोग वैसे ही सिस्टम को बीट करने बहुत तेज हो, आयदा सबको डराओ तो मत। तैयारी कैसी होगी? तैयारी करो, अभी जो मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ उसको देखो, तो सुनते जो तो ENT की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर करेंगे कराएंगे, तो इंशाल्लाह खैर करेगा। हाँ यही मसला है सारा, सारा यही प्रॉब्लम है, ईएनटी को लोग इजी लेते हैं, एंड बेस में सपनियां आ जाती हैं। पैथोलॉजी तुम लोग खूब मेहनत करते हो कि पैथो बहुत मुश्किल है, तो उसकी वजह से पैथो में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हमेशा से, मैं देख रहा हूँ सपनियां हमेशा हर साल एक सब्जेक्ट में आती है, या वो ENT में आती है या आई में या कम्युनिटी में, हम तीन सब्जेक्ट हैं, बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म में ये ले लो, मेरे से ले लो बुक्स, नोट्स बनाते जाओ, सर घर नहीं पढ़ा जाता, हमारे पास बुक्स भी नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में ले लो, सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स मंगाओ ENT की मेरे से ले लो और उसको नोट्स बनाते जाओ, आई वालों से भी कहो, सॉफ्ट फॉर्म पढ़ो बैठ के मोबाइल के ऊपर और साथ साथ उसको लिखते जाओ,
सिलेबस कितना परसेंट रहता है? ईएनटी का कोई सिलेबस नहीं रह गया बेटा, इधर देखो इधर सोई भी है अभी तक। सिलेबस क्या आज खत्म कर दिया हमने? आज हमने खत्म कर दिया, 0% सिलेबस रह गया। यस फिनिश्ड। अब तुम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं तरफ। थायराइड नहीं, मैं से पूछा जाता, मेरा दिल तो था तो मैं पढ़ाऊं, लेकिन थायराइड पूछा नहीं जाता। थायराइड ग्लैंड वुमन जो है ना वो आपके लेवल पे नहीं आता, लेकिन थायराइड ग्लैंड वायवे में आ जाता है। थायराइड करा दें आपको आइदर, क्या करें, थायराइड करा दें? कोविड के सिम्टम में लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन होता है, यस किसी भी वायरस में हो सकता है, कोविड में टिपिकली है, बिल्कुल है। रोजा करा दें, चलो थायराइड नेक्स्ट करा देते हैं। नेक्स्ट में आपको थायराइड जो है ना वो इंशाल्लाह करा दूंगा। न्यू पूल है तो थायराइड हुआ तो करा दें सर, अगर वायवा के लिए इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, वायवा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, थायराइड इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने जो उसमें रखा हुआ है ना एमपीएस लेवल पे, आपको जो थायराइड रखा हुआ है वो रखा हुआ है सर्जरी के अंदर, सर्जरी में आपको डिटेल से थायराइड पैरेटेड कराया जाता है। एफसीपीएस में थायराइड पैरेटेड ईएनटी में है, और जो आपकी इसमें है सर्जरी में उन्होंने आपको कराया जाता है, लेकिन मैं करा दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीजें थायराइड की मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, तो इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है सर। कॉलेज ओपन की कोई खबर सुनी है आपने अभी सिन्हा में? और जब मुल्क खुलेगा तो कॉलेज भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। चलो ओके बेटा, फिर सर शेख आते हैं कॉलेज? सर शेख ने किधर जाना है? सर शेख ने किधर जाना है? सर ईयर कब रिवाइज करवाएंगे? दरमियान में करेंगे। नो हाँ, एक साल का डर जो है ना वो घर बैठे भी ऐसा होना चाहिए डर, वैसे मैं अपना भी डर ऐसा करवाना चाहूँ तो कैसे करूँ भाई? अगर शेख साहब की तरह मैं अपना डर करवाना चाहूँ तो मेरे से भी तुम इस तरह डरो कि सर रिजवान आ गए हैं कि नहीं आए? सर डर नहीं है। अच्छा बस ठीक है, समझ आ गई मुझे। सर देखें हम घर बैठे होते वो डर नहीं है, सर आप रहने दें आपसे नहीं हो पाएगा, पूछ रहे हैं ना सर ऐसे ही हो। चलो थैंक यू वेरी मच, वन एंड ओनली, इसमें कोई शक नो डाउट नो मैच, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नोज रिवाइज करेंगे, अब आप लोगों ने क्या थी थायराइड, एक कोई लगते दरमियान में आएगा थायराइड का कर लेंगे, बाकी नोज को रिवाइज करेंगे, नोज से रिवीजन शुरू करेंगे, ईयर भी करेंगे, थ्रोट भी करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब अगला इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा बेटा, ईयर भी हो जाएगा मायदा इंशाल्लाह, ईयर को भी करेंगे रिवाइज, उसके बाद ईयर कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, नोट 3 लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।